हम संत रफाइल चर्च शाहजहानपुर के पल्लीवासी आपके समक्ष संत यूसुफ की जीवनी पे एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो स्त्री पवित्र है और ये असंभव है। नहीं भाई, मैंने कई लोगों से सुना है और ये सच है। अरे, ऐसी स्त्रियों को तो पत्थरों से मार डालना चाहिए। यही हमारी संहिता में लिखा है। तुम सब शांत हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरा काम करने दो। हम तो शांत हो जाएंगे, लेकिन औरों को कैसे शांत कर पाओगे? सबकी बात सुनकर वो मरियम को चुपके से त्याग पत्र करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। विचार करते करते वह सो जाता है। तभी उसे प्रभु का दूत दिखाई दिया। यूसुफ, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वे पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुमारी गर्भवती और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ईश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आता। यूसुफ मरियम के घर पर जाकर अपना परिचय देता है और मरियम के माता पिता से सब बातें बता देता है और अपने यहाँ ले आता है। मुझे स्वर्गदूत से संदेश मिला और मैं मरियम को लेने आया हूँ। मरियम, मरियम, यूसुफ तुम्हें ले जाने आया है। जाओ। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में के नगर बेतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। सुनो, हम लोग कहाँ रहेंगे? कोई स्थान नहीं। मरियम, आप परेशान ना होइए, हम अवश्य ही कोई स्थान की व्यवस्था करते हैं। चलिए मरियम। कौन हो, क्या चाहिए? देखिए, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसके प्रसव के दिन भी पूरे हो चुके हैं। मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए तुम्हें आश्रय नहीं दे सकता हूँ। जाओ, कहीं और जाके तलाशो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलिए मरियम, हम दूसरे स्थान जाते हैं।
भाई कौन हो, क्या चाहते हो? देखिए, मेरी पत्नी गर्भवती है और इसके प्रसव के दिन भी पूरे हो चुके हैं। मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। तो इन्हें लेकर इधर क्यों घूम रहे हो? जाकर बैठ को दिखाओ, पता नहीं किसे इधर चाह जाते हैं। मरियम, आप परेशान ना होइए। ये लीजिए मरियम, आप इसे खाइए। पहले आप खाइए। नहीं मरियम, इसकी अधिक आवश्यकता आपको है, आप इसे खाइए। कोई है, मुझे मदद की आवश्यकता है। कोई है? कौन हो भाई, कौन हो, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? देखिए, मेरी पत्नी गर्भवती है और इसके प्रसव के दिन भी पूरे हो चुके हैं। मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। देखिए, मेरे पास स्थान नहीं है। हाँ, यदि आप गौशाले में रहना चाहे तो मैं स्थान दे सकता हूँ। जी। अरे सुनती हो? हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ बताइए, क्या बात है? देखो, इन्हें हमारी मदद की बड़ी आवश्यकता है, इनके लिए गौशाले में थोड़ी सी स्थान बना दो। ठीक है। चलिए मरियम। हमने कितने मकान ढूंढे, कितने घरों को खटखटाया, परंतु किसी ने हमारे लिए स्थान नहीं दिया। परंतु जिनके पास स्वयं रहने के लिए स्थान नहीं है, उन्होंने हमको रहने के लिए स्थान दिया। कितने महान है ये। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद।